वेलकम टू एलबीडी रोबोटिक्स। आज हम आपको 16:2 की क्रिस्टल डिस्प्ले के बारे में बताने वाले हैं। इसको हम आर्डिनो से कनेक्ट करके इस पर कुछ राइट करके डिस्प्ले करा के दिखाएंगे आपको। जल्दी से मैं आपको इसकी पिंस के बारे में बता दूं। इसमें हमारी 16 पिंस होती हैं, जो कि हमारी VSS हमारी ग्राउंड होती है, VCC हमारी प्लस 5 वोल्ट होती है, और VEE हमारी कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल के लिए होती है, RS हमारी रजिस्टर सेलेक्ट के लिए होती है, RW हमारी रीड राइट के लिए होती है, E हमारी अनेबल पिन होती है, D0 से लेकर D7 तक हमारी डेटा पिन्स होती हैं, और हमारी जो A पिन होती है वो हमारी प्लस 5 वोल्ट होती है, और हमारी K जो होती है वो ग्राउंड पिन होती है। इसको हम ब्राइट बोर्ड पर कनेक्ट करके इसको आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं। कुछ हमने मेल टू मेल्स जंपर वायर्स लिए हैं, इसको हम इसकी मदद से हम इसको कनेक्ट करेंगे। आर्डिनो की जो हमारी प्लस 5 वोल्ट होती है उस पर हमने येलो वायर्स लिया है, और जो हमारी ग्राउंड होती है उसमें हमने ब्लैक वायर लिया है। इसको हम ब्रेडबोर्ड की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं आपस में जो कनेक्ट होती हैं उनको उस पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो हमारी डिस्प्ले की ग्राउंड और ग्राउंड और प्लस 5 वोल्ट की जो पिंस हैं उसको हम प्लस 5 वोल्ट को हम उसको प्लस 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं आर्डिनो की पिन से, और जो हमारी ग्राउंड पिन होती है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं। हम डिस्प्ले की चार पिंस को डिजिटल चार डेटा पिंस को हम आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। जो हमारे D7 पिन है उसको हम 2 से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारे D6 पिन है उसको हम 3 से कनेक्ट कर रहे हैं, और D5 को हम 4 से कनेक्ट कर रहे हैं आर्डिनो के डिजिटल पिन से, और D4 को हम कर रहे हैं आर्डिनो के डिजिटल पिन से 5 से। फिर चलते हैं हम आर्डिनो उसकी डिस्प्ले की VSS पिन पे, जो हमें कनेक्ट करनी है आर्डिनो की नेगेटिव यानी कि ग्राउंड पिन से, और डिस्प्ले की हमारी जो VCC होती है उसे प्लस 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। जो हमारे डिस्प्ले की VO पिन होती है उसे हम कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करने के लिए उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारी RS पिन होती है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं आर्डिनो के डिजिटल पिन 6 से, और RW और जो रीड एंड राइट के लिए होती है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल ग्राउंड पिन से, क्योंकि इसका अभी हमें कोई वर्क नहीं है। और जो हमारी अनेबल पिन है उसको हम कर रहे हैं आर्डिनो की डिजिटल पिन 7 से। ये हमारा सर्किट डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। ये हमारा कोड है, इसको हमने लाइब्रेरी में से इंक्लूड किया है। ये हमने अभी यहाँ पे इसको सारी पिंस को डिफाइन कर दिया है। 16:2 की हमारी डिस्क क्रिस्टल डिस्प्ले, तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन करके इस पर प्रिंट कराया वेलकम टू। फिर हमने फर्स्ट रो में ये काम किया है हमने। अब सेकंड रो के लिए हमने यहाँ पे
सेट कर्सर करके इसको दिखा के यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। रोबोटिक्स इसको हम अपलोड करेंगे। ये हमारा कोड अपलोड हो चुका है। इस पे हमने प्रिंट, यहाँ पे हम इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। रोबोटिक्स को चेंज करके अभी हम वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, WRLD। इसको अपलोड करेंगे। ये हमारा चेंज हो गया, आ गया वेलकम टू वर्ल्ड। और यहाँ पे हम यहाँ पे इसको इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए यहाँ पे हम फोर करेंगे तो ये फोर रो के ना फोर्थ नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको अपलोड करेंगे। देखो ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमने वर्ल्ड को चेंज करके वर्ल्ड लिखा है और इसको हमने शिफ्ट कराया है फोर्थ पोजीशन पे।